हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह द्वारा अचानक आज करण स्टेडियम का निरीक्षण किया गया, जहां पर कई खामियां पाई गई। इस अवसर पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा के स्टेडियम में जो खामियां हैं उन्हें जल्द ठीक कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का खिलाड़ी गांव से उठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, इसके लिए हरियाणा सरकार प्रयासरत है और खिलाड़ियों को राजनीति से उठकर सुविधाएं दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि खेल नर्सरियों में खिलाड़ियों की उपस्थिति को तवज्जो दी जा रही है, ना कि कागजी नर्सरियों में। उन्होंने आगे कहा कि यदि खिलाड़ी बढ़ेंगे तो हरियाणा में खेल नर्सरियां बढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि स्टेडियमों को बनवाने वाले खर्चे का अब सीधा खिलाड़ियों की सुविधा के लिए खर्च किया जाएगा। स्टेडियमों का महत्व खिलाड़ियों के कारण है, ना कि स्टेडियमों का महत्व खिलाड़ियों के लिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खेल का सामान जो स्टोरों पर पड़ा हुआ है उसको खिलाड़ियों तक पहुंचाया जाए। इस दौरान उन्होंने हाजिरी रजिस्टर, स्टोर व्यवस्था और खेल का सामान भी चेक किया। उन्होंने कहा कि जो भी कमियां आज करण स्टेडियम में पाई गई हैं उनको ठीक करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। यहाँ से जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया है उसको जल्दी से जल्दी ग्राउंडों तक पहुँचाना, सभी DSOs को, डायरेक्टर को अभी बहुत जल्दी निर्देश हमारे यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि खिलाड़ियों तक सामान पहुंचना, फैसिलिटी पहुंचनी, वो मेरी प्रायोरिटी। सर, खिलाड़ी की अगर बात करें, तकरीबन खिलाड़ी जो है गांवों से निकलते हैं, गांवों में स्टेडियम हर सरकार ने बना दिए, पिछली सरकारों की बात करें या अब BJP की सरकार की बात करें, गांव में हम जाते हैं तो देखते हैं स्टेडियम के हालात कितने ज्यादा खस्ता है। आज तक वहाँ गाँव में कोई नहीं गया, मतलब कुछ और होता है, मैदान का मतलब कुछ और। सर, मैदान भी रिपेयरेबल नहीं होता, मिट्टी भी तरीके का। वही बता रहा हूँ, हमें स्टेडियम आगे आने वाले समय में स्टेडियम ना बनाकर हमें जो फैसिलिटी हमारे पास है उसको मेंटेन करना है और खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देनी है। जो हमारा बजट स्टेडियम बनाने में होता है वो बजट मैं खिलाड़ियों के ऊपर। सर, सुमित सांगवान जो बॉक्सर हैं उनके ऊपर से बैन हट गया है, लेकिन वो ओलंपिक नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ट्रायल नहीं दिया था, तो इसको लेकर सरकार कुछ सोचेगी कि हरियाणा के हैं वो आगे? देखिए, वो स्पोर्ट्स की जो उनकी बॉक्सिंग की जो फेडरेशन है, इंडियन फेडरेशन है, उनके ऊपर है कि उन्होंने किस तरीके का, कितना संज्ञान उनका अपराध था जिसके ऊपर उन्होंने बैन लगाया है, तो क्या उसके उनके अंदर रूल थे कि वो बैन के बाद वो ट्रायल्स दे सकते हैं, फिट हैं या नहीं है, वो काफ़ी चीज़ें होती हैं। स्पोर्ट्स में ये नहीं है कि बैन उतर गया तो आप जाकर ट्रायल्स दे सकते हो, वो उनके ऊपर है। डेफिनेटली हरियाणा हमेशा उनकी सपोर्ट में रहेगी, हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए हम तैयार। सर, खेल नर्सरियों में, सर आपने रिपोर्ट मांगी है कि जो नर्सरी अच्छी होगी, जो मतलब खिलाड़ी का अच्छा रिस्पॉन्स आया होगा उसको रखेंगे, बाकी को नहीं। देखिए, ऐसा सपोर्ट में रहेगी, हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए हम तैयार। सर, खेल नर्सरियों में, सर आपने रिपोर्ट मांगी है कि जो नर्सरी अच्छी होगी, जो मतलब खिलाड़ी का अच्छा रिस्पॉन्स आया होगा उसको रखेंगे, बाकी को नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो नर्सरियाँ का हमारा अमाउंट है जो पिछले पॉलिसी में आया हुआ है कि 25 बच्चे एक नर्सरी में होंगे, उस तरीके से हम आगे मॉडिफाई कर रहे हैं जिससे कि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में, मैदान में लेकर आ सकें, और जो नर्सरियां चल रही हैं वो, और जो बच्चे जेन्युइन खिलाड़ी हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में लेकर आ सकें। नर्सरियां चाहे बढ़ें, हमें बढ़ानी पड़े, लेकिन हम कई ऐसे चीज़ें हैं जो पहले कभी चलते रहे हैं कि खिलाड़ी मैदान में हो ना हो लेकिन उनकी हाजिरी चलती रहे, वो काम यहाँ नहीं। सर, नर्सरियाँ तो चल रही हैं, सर उनको आपस में बिड़ाया नहीं जा रहा खिलाड़ियों को, जैसे सर नहीं, नहीं, आपकी मैं समझ गया, मतलब कंपटीशन नहीं हो रहा। बिल्कुल, कंपटीशन के लिए हम पॉलिसी ला रहे हैं जो कि ग्रास रूट से लेकर जो हमारे खिलाड़ी देश के लिए रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ तक पहुँचने का जो सफर है वही मैं तैयार कर रहा हूँ। और सर, आप डाइट कह रहे थे, सर अभी तक डाइट बढ़ा दी है सर, वो आपने देखा सर, वो डाइट नहीं नहीं वो आप देखो बजट में भी आ गई है। जी सर, आप पढ़ो थोड़ा सा, बजट में आ चुकी है। यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था तो है ही नहीं सर, वो सारा देख लिया। मैं वही बोल रहा हूँ, जो जो चीज़ें यहाँ पर फैसिलिटी चाहिए ना, हम एज अ इंडियन, एज अ हरियाणा, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, हमें ये देखना है क्योंकि हम पॉलिटिक्स से हटकर हमें स्पोर्ट्स के लिए काम करना है। पॉलिटिक्स अलग है, स्पोर्ट्स अलग है, जो हमारा काम है वो फैसिलिटी देना है बच्चों को, हमें वोट के चक्कर में स्टेडियम नहीं मांगने चाहिए। थैंक यू सो मच। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही latest खबरें पाने के लिए bell icon को click कर हमारे channel को like, share and subscribe करें। धन्यवाद।